हमेशा की तरह पहली ओवर की गेंदबाजी। फाइनल मैच का मुकाबला चल रहा है भाई, फाइनल मैच का 15 ओवर में 190 रन बनाने हैं। पहली गेंद और सिक्स, पहली गेंद पे सिक्स। और वीडियो को भाई शेयर करते हैं भाई, जितने लोग देख रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। पहली गेंद पे सिक्स, सत्यम सिंह जो कि मनजीत सिंह बैटिंग करने आए हैं भाई। पहली गेंद पे सिक्स, पहली गेंद पे क्या शानदार छक्का जमा है बल्लेबाज ने। उमेश जी बिल्कुल सही कहा आपने, और यहां मौजूद तमाम दर्शकों को बड़ी उम्मीद है सत्यम सिंह से, लेकिन पहली गेंद पर ठीक उसका उलट होता है। पहली ही गेंद पर आते हुए शानदार छक्का जड़ दिया है, और अगली गेंद पर फिर से बड़ा प्रयास, लेकिन उतनी अच्छी खूबसूरत फील्डिंग में कहूंगा। निश्चित तौर पर सीएम भाई की तरफ से अच्छी फील्डिंग आते हुए अपनी टीम के लिए। और मैं इस मैच की पहली पारी के दौरान लगातार ये बात कर रहा था कि इलाहाबाद की जो टीम है निश्चित तौर पर इतनी आसानी से इस मैच को जाने नहीं देगी। तो रोमांच बरकरार, इसी बीच में अगली गेंद और इधर फिर से खेल दिया से फाइनल की दिशा में। दर्शक भी देख रहे हैं, खिलाड़ी भी दौड़ रहे हैं, और जब तक गेंद फील्ड रहती है चार रन मिलता है यहाँ पे। और क्या खूबसूरत अंदाज हमारे एम्पायर महोदय का, मुख्य निर्णायक की भूमिका में हमारे मिश्रा जी एक अलग ही अंदाज में इशारा करते हैं, तो उसका भी लुत्फ ले रही है यहाँ मौजूद तमाम दर्शक। आशीष जी बिल्कुल, सत्यम सिंह का ये पहला ओवर, हमें लगता है कि इलाहाबाद के बहुत सारे समर्थक भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। पिछले छक्के के शोर से पता चला था कि यहाँ पे इलाहाबाद के समर्थक ज्यादा है। एक बार फिर गेंद को खूबसूरती के साथ खेला है, इसका लेग बाउंड्री की जानी। जब तक गेंद को किधर किया जाता, थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन जो है वो अंपायर को भी परेशान करेगी, गेंदबाजों को भी परेशान करेगी, फील्डरों को भी परेशान करेगी। इस समय स्कोर जा पहुंचा है तेजी के साथ, पहला ओवर है ये 11 रन, 190 रनों का पीछा कर रही है निर्धारित 15 ओवर में टीम इलाहाबाद। जी बिल्कुल, टीम सपोर्ट की बात चल रही थी, मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा लगातार 7 बार दर्ज कर चुकी है जीत सिक्का की टीम। हालांकि यहां पर बिशनपुरा की टीम फाइनल खेल रही है, लेकिन बिशनपुरा की एक आदर्श में आशीष जी ज्यादा एक रोकूंगा मैं एक सेकंड के लिए आपको। एक अनोखा पुरस्कार आया है सत्यम सिंह के एक ओवर में 3 छक्का अगर कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो बड़े भाई अनुप जायसवाल की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। और शोर से आपको अंदाजा लग सकता है जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे शानदार वापसी मैं कहूंगा। हालांकि कुछ गेंद बाउंड्रीज जरूर लगे थे, लेकिन बात वहां पे टीम सपोर्ट की चल रही थी, उस बात को मैं और फिल्टर कर दे रहा हूँ आशीष जी। जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहा था, पिछले 7 जो सीजन हुए हैं वहां पे सीटा की टीम ने जीत दर्ज की है, लेकिन अभी जो टीम फाइनल में आपको क्षेत्र रक्षण करती हुई दिख रही है उसमें ज्यादातर जो खिलाड़ी है। एक ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 11 रन। सत्यम सिंह अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो अनुप भैया की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार। जी तो मुझे लगता है जो अलग गेंदबाजी के लिए वो आएंगे। मैं बात कर रहा था कि सिक्का की टीम की, जी बिल्कुल, तो सिक्का की टीम अभी 7 जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी वो खेल रही है बिशनपुरा एकादश की तरफ से। तमाम ऐसे स्टार खिलाड़ी इस समय हमारे बिशनपुरा की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, तो एक जिंदा दिली का सबूत आप देख सकते हैं। बैलेंस बना के बॉलिंग पे आए मुलायम सिंह, बैटिंग कर रहे हैं सत्यम। जो अच्छा खेलेगा उसको पुरस्कार सिसवा बाजार से मिलेगा। ये सिसवा बाजार की अपनी एक अलग पहचान है और ये परंपरा न जाने कितने वर्षों से लगातार चलती आ रही है। अनुप भैया ने 2100 रुपए का पुरस्कार रखा है, हैट्रिक विकेट पे मुलायम आया है गेंदबाजी के लिए। मुलायम का स्वागत इस शानदार बाउंड्री से किया है, अंपायर मिश्रा जी का इशारा 4 रन। मिश्रा जी ऐसा लगता है खुद मारे हैं चौका, शानदार अंपायरिंग। बिल्कुल उनको देखना दिलचस्प होता है, और तमाम खिलाड़ी जब अपने बल्ले
तो सीमा रेखा के बाहर जब बेचते हैं उनका जो चीन प्रति अंदाज अभी आपने जिक्र किया था बिल्ली बहादुर का, बिल्कुल उसी अंदाज में इशारा करते हैं। तो मैं बात कर रहा था मनोवैज्ञानिक जीत की, तो तमाम ऐसे दर्शकों से मेरी बात इन्हीं के दौरान बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि बीच में देख सकते हैं अखिलेश लेवल की जो फील्डिंग कर टारगेट दिया है 15 ओवर में 190 रन का। मंजीत सिंह जब से बल्लेबाजी के लिए मैदान पे आए हैं, खुद कप्तान है, विकेट कीपर है और खुद बल्लेबाजी के लिए मैदान पे उतरे हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी जी। मुलायम के गेंद पे अगर आप इतना बड़ा दिल दिखाते हुए छक्का लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रतिभा पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। मुलायम मिश्रा जी कई सारा करने का अंदाज बिल्कुल अलग और अनोखा है। तीन गेंद पे दो सिक्स और एक चौके लगा के खेले मंजीत सिंह और 15 ओवर में बनाने 190 रन और जो बात निकल गया है तमाम ऐसे दर्शकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हर बार सिक्का की टीम जीत रही है। 28 रन दूसरा ओवर चल रहा है, हो सकता है जिस हिसाब से मुझे लगता है आशीष जी बल्लेबाजी हो रही है। प्रदीप भाई एकदम बढ़िया हो भाई, अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रहे तो मुझे लगता है कि ये कब तक संगम लगने में जा रहा है। सत्यम सिंह के गेंद पे कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है तो उनके परम मित्र आकाश जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार हर छक्के पे। 51 रुपया रवि फील्डिंग, तालियां सबके लिए बजनी चाहिए। ये देख सकते हैं यही है भाई अखिलेश जो की नीति टीम है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये समर्थन इसलिए कि हमें नया चैंपियन चाहिए जी। बिल्कुल आपको मैं गलत साबित करना चाहूंगा, इस समय दर्शक जो है वो सपोर्टर तो है हमारे भी संपूर्ण के तमाम सिक्का की मिश्रित टीम के। आओ इस जब छक्के लगते हैं जब चौके लगते हैं उसके बाद से क्या अंदाज रहता है हमारे दर्शकों का, तालियां और फिर होती आप देख लीजिए। सहलाते हुए गेंद को छक्का लगाया, बिल्कुल सिर्फ इस छक्के में ताकत नहीं थी क्लास की। निकालिए कॉपी और लिख लीजिए इस शॉट को, ये क्रिकेट के बुक में कहीं नहीं मिलेगा इतना खूबसूरत शॉट। आप देखते रहिए बस आशीष जी, आप पटाने से चल के आए मैं तो सिसवा का घरेलू मतलब लोकल बॉय जो आप कहते हैं मैं इस बात का गवाह हूँ और इतिहास भी रहा है यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। वो कभी भी जो लोकल प्लेयर होता है उनको सपोर्ट तो करता नहीं, जो बाहर के खिलाड़ी आए होते हैं उनको अपना सपोर्ट जो देते हैं वो चरम अवस्था पे देते हैं। तो उस चीज की आप उदाहरण उस चीज की बाली आप देख सकते हैं, इस चीज का मैं खुद सबूत हूँ आपके सामने और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस ओवर में खुद सबूत हूँ इस चीज का कि जितना प्यार मुझे यहाँ मिलता है मुझे किसी टूर्नामेंट में जिले के किसी भी टूर्नामेंट में इतना प्यार और मेरी आवाज की इतनी सराहना किसी टूर्नामेंट में नहीं मिलती है। निश्चित तौर पर आप सबकी प्रशंसा कर रहे हैं और तमाम हमारे सिसवा के क्रिकेट प्रेमी खेल प्रेमी यहाँ पे मैदान पे मौजूद है, सभी को इंतजार रहता है स्पोर्ट्स सीजन का। लेकिन इससे अलग एक और बात है कि आपको सुनना पसंद करते हैं लोग, कई बार ऐसा होता है कि मैच खत्म हो जाने के बाद लोग कहते हैं भैया वो जो बोल रहे थे वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो इसी तौर पे ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी कमेंट्री का जो है नजारा है जो लोगों को बहुत भाता है और तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पे इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं उनको वहाँ पर सम्मान और प्रेम के साथ आपको बुलाया जाता है, तो ये आपको एक गुण है। और इसी बीच में देखिए गेंद अटखेलिया खेलती हुई नीचे पैर पे उसे रोकने का प्रयास किया था लेकिन वो गेंद कुछ घासों में सिमट सी गई थी और वहां से उछाल लिया था और वहां थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी। अखिलेश जी का मेहनत आप देख सकते हैं, समर्पण देखिए, शरीर भारी जरूर है लेकिन जान लगा दिया है अखिलेश ने, शानदार फील्डिंग मैं कह सकता हूँ और निश्चित रूप से मामला बिल्कुल बराबरी का चल रहा है, खेल बहुत ही बराबरी का चल रहा है, शानदार खेल का प्रदर्शन। सत्यम सिंह को वापस गेंदबाजी आक्रमण में बुलाया गया है और गेंद बहुत ही खराब थी और उसे सही सबक सिखाया, चार रन। दर्शकों से गुजारिश है कि आप अपने हाथ अब खोल दीजिए, कुछ और बचा है आपका साथ आपका प्यार आपका ये सम्मान खिलाड़ियों के लिए हम सबके प्रति, आप तालियों से हमें इनाम दीजिए, नवाजिए अपने तालियों से अपने खिलाड़ियों को, अगर आप ऐसे ही ताली बजाते रहे
खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। सत्यम सिंह गेंदबाजी करेंगे, मनजीत सिंह को गेंद की फुल टॉस और गेंद नो मैन्स लैंड में गिरी, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी अंपायर का इशारा नो बॉल। अब यहां पे मिलेंगे अनुशासन देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा अभी तक जितने भी निर्णायक पिछले 7 सीजन में है उससे मैं इनको बेहतर पाता हूं। सत्यम सिंह के एक ओवर में 3 छक्का कोई भी बल्लेबाज लगाएगा तो अनुप भैया की तरफ से 1,001 रुपए का विशेष पुरस्कार और हर छक्के पे क्यों आकाश सिंह स्कोर बोलते रहिए, स्कोर हाँ स्कोर बोलते रहिए भाई स्कोर, लेकिन इतना आसान नहीं है, हर ओवर के बाद स्कोर कहा हो रहा है। ओवर ओवर की समाप्ति पर आपको ओवर और स्कोर दोनों ही बताए जाएंगे। व्हाट अ शॉट 6 आकाश सिंह के अकाउंट से 51 रुपया कट गया। इतना लंबा ऊंचा छक्का सिर्फ और सिर्फ गेल मारता है, रेलवे लाइन पार 51 रुपए का पुरस्कार जीत लिया है 175 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने। 3 छक्का लगाने पे अनुप भैया की तरफ से 1,000 रुपया। बिल्कुल आ गया गेल और खत्म हो जाएगा खेल। ये सत्यम सिंह का क्लास है भाई जी, बिल्कुल काफी अच्छा अनुभव रखते हैं। एक तरह से मैं आशीष जी बताना चाहूंगा उनका घरेलू ये फील्ड है जिसपे इनको अनुभव होता है, सपाट पिच है, बल्लेबाजी के लिए हालांकि ये पिच बनाई गई है लेकिन वहां पे इस प्रकार की अगर गेंदबाजी होती है तो सराहना करनी होगी, काबिले तारीफ। क्या माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, एक तुम हो कि अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। इतनी आसानी से आप छक्का नहीं लगा सकते सत्यम सिंह को, स्कोर में बता रहा हूं मंजीत जी, स्कोर है इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन। 3 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 44 रन, 15 ओवर में 190 रन का टारगेट दिया है प्लेस 11 ने। बिना किसी नुकसान के 190 रनों का पीछा कर रही है टीम इलाहाबाद। भाई जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे भाई, प्लीज वीडियो को शेयर करते रहे और जफर एंजेट को फॉलो भी कर ले भाई, वीडियो को शेयर करते रहे भाई और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जफर एंजेट, आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर ले। और उनकी हुकिंग जो इस बात का प्रमाण मिल रहा है कि टीम कौन सी जीतने की ओर अग्रसर है, लेकिन कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि काफी सारा क्रिकेट अभी खेला जाना बाकी है, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल कांटेदार मुकाबला होता हुआ यहाँ पे गेंदबाज का नाम दुर्गेश आए हैं मंजीत के लिए, दुर्गेश आए हैं मंजीत के लिए। गेंदबाजी एक्शन में थोड़ी सी परेशानी और अंपायर के ऊपर कोई भी खिलाड़ी अनावश्यक दबाव नहीं बनाएगा। यह सत्यम सिंह का अंदाज होता है। ये भी पहले मैच से गेंदबाजी कर रहे हैं जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये फाइनल तक का सफर दुर्गेश कोई भी ऐसा मुकाबला नहीं है जिसमें गेंदबाजी न किए हो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। बाकी दोनों अंपायर सक्षम है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। बिल्कुल हरी झंडी मिल गई है मिश्रा जी का, एक बार फिर मैं अभी आए हुए सभी क्रिकेट के दीवानों का सिसवा प्रीमियर लीग में दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और 15 दिन की दूरी पे खड़े हम लोग नए साल की अग्रिम बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं आशीष आने वाले सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इस समय मंजीत अपने पूरे सबाब पे है और गेंदबाजी करेंगे दुर्गेश। What is that?
एक्साइटमेंट देखिए उमेश भैया, क्या गजब का छक्का है ये। फ्लैट सिक्स क्रिकेट का सबसे खूबसूरत जोन, और फ्लैट सिक्स जब लगता है तो उनके मुंह से निकलने वाला विराट कोहली की तरह आवाज वाकई देखने लायक था। दर्शक अब थोड़े से बेदार हो और तालियां शोरगुल मचाते रहे। दुर्गे संपायर को क्रॉस किया गेंद की, जितनी अच्छी गेंद उतना ही अच्छा सम्मान। अभी भी स्कोर रुका हुआ है जी बिल्कुल, और दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा 50 रन पूरे हो चुके हैं इलाहाबाद की टीम से। तो इलाहाबाद के लिए जोरदार तालियां, 50 रन हो चुके हैं भाई, चौथा ओवर चल रहा है। अच्छी फील्डिंग भाई की, कोई रन नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी चौथा ओवर चल रहा है, टोटल स्कोर 50 रन। और कुछ इसी तरह की गेंदबाजी अगर हुई तो मुझे लगता है इलाहाबाद की टीम को वो रोक पाएंगे, पिछले ओवर में जो बल्लेबाजी हो रही है उससे तो नहीं लगता। और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग भाई, अच्छी फील्डिंग के पास, ये है कप्तान अखिलेश। बिल्कुल अटैकिंग फील्ड है, अखिलेश मौर्य आज खुद मैदान पे उतरे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फाइनल मुकाबला है, उनका रहना बहुत ही जरूरी मैदान के अंदर। विकेट कीपर बिल्कुल क्लोज है, आप देख सकते हैं राहुल मैक्स को विकेट कीपिंग का दायित्व दिया गया है, बिल्कुल विकेट से सटे हुए। उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं मनजीत सिंह, जिनको गेंद फुटबॉल दिख रही है, और एक बार फिर वही रिजल्ट जो है, क्या शानदार बल्लेबाजी मनजीत सिंह की, काफी बुक स्टाइल शॉट, जिसे प्यार से किताबी शॉट कह सकते हैं जी बिल्कुल, उसको फोटो शॉट कहते हैं। और जब भी बाउंड्री लग रही है मुझे तो दर्शकों की शोर जो सुनाई दे रही है, निश्चित तौर पर मुझे ये कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है कि हमारे दर्शक किस टीम की तरफ से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इलाहाबाद की तरफ से ज्यादा समर्थक है, इसमें कहने में किसी को कोई संकोच या गुरेज नहीं होना चाहिए भाई। जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दे भाई, और जफर इंजन को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर। आज एक नया चैंपियन देने वाला है, और घूमती हुई पलखाती हुई गेंद अपील की जा रही है। सत्यम सिंह के चेहरे पे गुस्सा है कमेंट्री को लेकर के, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोला जाएगा जी बिल्कुल। बॉल जब जाती है बल्लेबाज के पास तो वहां थोड़े से सन्नाटे की जरूरत, क्योंकि बॉल जो स्लिप होती है या टच होती है बैट से तो पता नहीं चल पाता है, उसी बात को लेकर थोड़ी नाराजगी वहां पे थी। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 54 रन, चार ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 54 रन। इलाहाबाद की पावन धरती से ये टीम आई हुई है, और आज सिसवा प्रीमियर लीग का 8वां सेशन का फाइनल मुकाबला खेल रही है। क्या इलाहाबाद एसपीएल 8 का जो ये ताज है अपने सर पे सजा के लेके जाएगी, या फिर अखिलेश 11 अपने चीर परिचित अंदाज में सबको चौंकाते हुए प्लेटिना की एक खूबसूरत बाइक लेके अपने घर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अंपायर भी बिल्कुल रोमांस में है, दर्शक बिल्कुल अपने सवाब पे है, कमेंटेटर बिल्कुल उल्टी गिनतियां गिन रहे हैं, कौन सा हो भाग्यशाली, कोई भी कैच नहीं गिरा भाई, जो इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत करके अपने घर वापस जाएगा। ये चीजें जो है अभी भविष्य की गर्त में है, और 54 रन बना लिया है चार ओवर में इलाहाबाद की टीम ने, एक सभी हुई शुरुआत कह सकते हैं, एक सजग शुरुआत, एक बराबरी की शुरुआत, गेंदबाजी आक्रमण तब्दीली। शानदार गेंद के साथ 8 नंबर की जर्सी का यह खिलाड़ी गेंदबाजी आक्रमण में बुलाया गया है, और इस समय 176 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, जिन्होंने एक बहुत ही लंबा ऊंचा छक्का लगाया था, लेकिन इस ओवर में ये किस तरह का कारनामा करेंगे यह तो आने वाला अगली कुछ गेंद बताएंगे। एक और डॉट गेंद, जैसे जैसे उमेश भैया गेंदें डॉट होंगी, चेहरे की जो पेशानी है, चेहरे की जो रंगत है, वो खुशी और गम में बदलती जाएगी। जो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी कुछ क्योंकि अभी देखिए दूसरी जो स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर इन दोनों तरफ अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मंजीत जो है अभी जो मुकाबला है उसको अपनी तरफ खींचे हुए हैं, तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी इसी बीच में भी। अरे और गेंद को आने दिया अपने पास, और जैसे ही गेंद आई उससे एक आकर्षण लिया अपने बैट का, और क्या लाजवाब सा छक्का यहाँ पे फाइनल की दिशा में, रियाज पावर लेग और फाइनल के पीठ से निकला ये छक्का शानदार।
बना सकते हैं छुपी छक्का। उमेश जी इतनी खूबसूरत आवाज कौन नहीं सुनना चाहेगा। बल्लेबाज ने सुना और गेंद को भेजा लाइन पार। 175 नंबर की जर्सी, खूबसूरत अंदाज, मुकाबला बिल्कुल रोचक होता जा रहा है। दमदार खिलाड़ियों के लिए दमदार चौपास इस बीच में हमारे बीच उपस्थित है। मंच पर चमचमाती हुई ट्रॉफियां अपने विनर का इंतजार करती हुई और साथ ही साथ दाहिने तरफ यह खूबसूरत सी प्लेटिना बाइक और इसी बीच में अंग्रेजों खिलाड़ी मौजूद नहीं, आने दिया था सिक्स और बैट पर लेकर के एक अच्छा खूबसूरत सा शॉट निकाल करके या तो 6 रन अपनी टीम के लिए बटोरा। इस शानदार छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ जा पहुंचा है 66 रन। पांचवा ओवर जारी है और सबसे अच्छी बात इलाहाबाद के लिए ये है कि अभी तक उनका कोई विकेट डाउन 66 रन जी। बिल्कुल, मैं इस बात का जिक्र कर रहा था पहली पारी के दौरान की तमाम ऐसे अच्छे बल्लेबाज है जो इलाहाबाद की टीम में हुई है। ऐसा इशारा हो रहा है कि तमाम जो इस क्रिकेट कमेटी टीम के सदस्य हैं इस कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे गए, लगभग 3 गेंद पीछे जा चुकी है। और ऐसा भी मंजीत सिंह जो है उमेश जी 47 रन के अपने इंडिविजुअल स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मंजीत सिंह ने अभी तक अपना व्यक्तिगत स्कोर बनाया है 47 रन, सिर्फ 3 रन दूर है अपने शानदार इस फाइनल मुकाबले के अर्धशतक से। 3 गेंदों को अभी तक लाइन पार पहुंचाया है इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने। स्कोर की ओर मैं रुक करूंगा, स्कोर बताएंगे नवीन। 72 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। जी बिल्कुल आशीष जी, और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने जो पूरा एकादश की टीम है उसमें खलबली सी मचा दी है और ऊपर से इनको दर्शकों का एक प्यार है जो साव जो सावर्धन मिल रहा है वो तो कबूली पाई है। बिल्कुल, दर्शकों का प्यार ही किसी भी आयोजन की कामयाबी की जमानत है। थोड़ा सा जल्दी करें, अखिलेश 11 कुछ विचार विमर्श करने के बाद पुनः गेंदबाजी आक्रमण पे सत्यम सिंह को बुलाया जा रहा है और उनके सामने है इस समय अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर मंजीत सिंह जो कि कप्तान है। आज कप्तानी पारी उन्होंने खेला है। सत्यम सिंह अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 2100 रुपए आदि अनुप जायसवाल की तरफ से और उनके ओवर में अगर कोई 3 छक्का लगाता है तो 1000 रुपया बड़े भाई अनुप जायसवाल की ओर से दिया जाएगा। शानदार शॉट और इस बाउंड्री के साथ अपना शानदार शाही अंदाज में मंजीत भाई का सिद्धिपुरा, इसे कहते हैं कप्तानी पारी बेहतरीन लाजवाब। मंजीत सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा किया भाई। जब जरूरत थी टीम को उनकी अपनी बल्लेबाजी की, बिल्कुल खेलनहार एक टॉर्च बेरर की तरह एक मशाल वाहक की तरह इन्होंने अपनी टीम के नया गुटार ले जाने का जो बेड़ा उठाया उसका शानदार सलामना पेश करते हुए अपनी बल्लेबाजी की तरफ। नो डाउट चार रन, क्या शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहा है ये कप्तान। अगला अगर इस तरह का प्रदर्शन करेगा तो पाने वाले खिलाड़ी तो ऐसे ही राख बन के आएंगे। क्या शानदार बल्लेबाजी मंजीत सिंह, तारीफ की बनती है। बाकी बातों को मैं नजर अंदाज नहीं करूंगा। जब नींव मजबूत होती है तो ये लॉलीपॉप है, वाइट है, वाइट, कुछ भी कहो इनसे असर नहीं होता, खाना बदोश आदमी का घर नहीं होता।
शानदार बल्लेबाजी मनजीत सिंह, बिल्कुल बलखाती लचकाती बल्लेबाजी। अभी तक जो पलड़ा है उमेश जी, नो डाउट तो देख रहा हूँ। अब ये देखना है कि कौन सा ऐसा गेंदबाज आता है जो बिशनपुरा की टीम को वापस लाता है इस गेम में। और अभी मैं बात करना चाहूंगा दर्शकों की, क्या लाजवाब साहब भागीदारी होते हैं आपके दर्शकों की? कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और, अभी भी मौका है। एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं मुझे लगता है सत्यम सिंह, हमेशा वो विराट कोहली का जो अंदाज होता है एग्रेसिव खेलने का, वैसा कुछ अंदाज दिखता है यहाँ पे। वापसी कर रहा है और शानदार छक्के के साथ आपने एक शानदार पुरस्कार भी जीत लिया। बड़े भाई अनूप जायसवाल ने एक और राइट ये दबाव है और ये बल्लेबाजी की जो तूफान चल रही है वाकई काबिले तारीफ। मनजीत सिंह छा गया, स्कोर बोलते नहीं कहूंगा सप्तम सिंह होकर गेंदबाजी प्रदर्शन देखने के बाद कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोकल दर्शकों के द्वारा। नमन है ऐसी जनता को और नमन है ऐसे क्रिकेट प्रेमियों को जो अपने आए हुए उन तमाम अतिथि खिलाड़ियों का स्वागत करती है और उत्साहवर्धन के रूप में इस प्रकार से तालियां बजाती है और होटिंग करती है। स्कोर है इस समय, स्कोर 96 रन बना लिया है इलाहाबाद ने बिना किसी नुकसान के। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 96 रन, 6 ओवर के समाप्ति पर तो इसको 96 रन, 190 रनों का पीछा कर रही है। मुसलमान में आशीष जी बताना चाहूंगा 7 तक सीजन मैंने देखा है लेकिन ये फाइनल जो है ना वो कुछ अलग अंदाज का होता है यहाँ पे। आकाश सिंह छह ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 96 रन। सत्यम सिंह ने काफी महंगा स्पेल रहा है उनका, 3 ओवर 51 रन, तो निश्चित रूप से ये अच्छा साइन नहीं है। 96 रन 6 ओवर बिना किसी नुकसान के तारीफ होनी चाहिए, जो भी अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ होगी। ये क्रिकेट कहता है, सिसरा की जनता कहती है, रात को हम रात कहेंगे दिन नहीं कह सकते। जिनको आपका समर्थन है और समर्थन है इस क्रिकेट की खूबसूरती का और इसी बीच में गेंद आती हुई उसे आने दिया था लेकिन उतनी अच्छी गेंद और फॉलो थ्रो में अपने ही गेंद को छत्रछत्र जो जीते अच्छा खेलेगा वही जीता होगा। भाई छोर के समाप्ति पे टोटल स्कोर है इस समय 96 रन विकास के रूप में, हालांकि इनके पिछले ओवर में 3 छक्के लगे थे लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जी हाँ स्टंप से काफी ज्यादा पार और अतिरिक्त रनों में एक और इजाफा होता हुआ यहाँ पे 1 रनों के रूप में। आशीष जी क्या लगता है यहाँ से किस प्रकार की क्रिकेट खेलनी चाहिए हमारे बिशनपुरा की टीम को? हमें लगता है कि एक ब्रेक थ्रू की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक विकेट अगर यहाँ पे बिशनपुरा को मिलता है तब शायद ये टीम वापस आए, लेकिन यहाँ पे जो बल्लेबाजी चल रही है रनों का जो बहाव है उसको रोक पाना हमें नहीं लगता किसी गेंदबाज के लिए इतना आसान होगा। शानदार बल्लेबाजी का नमूना, ऐसा कोई साथ नहीं जो भाग्य के भरोसे गया हो, जहां पे उन्होंने चाहा जिस अंदाज में चाहा वहां मारा। सत्यम सिंह के हाथ में गेंद गई है, गेंद को किधर किया, थ्रो किया, रन बनाने की किसी भी संभावना को निरस्त किया। यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू की बहुत ज्यादा जरूरत है अखिलेश 11 को। बिल्कुल मुझे लगता है गेंदबाज को उन बल्लेबाजों की जो खेलने का अंदाज है और साथ ही साथ उनकी चहल गर्मी जो है पैरों की उनको भाप करके कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी कि उनको परेशान किया जाए या उनको ज्यादा खुल करके खेलने का मौका नहीं दिया जाए तो जाकर मुझे लगता है कोई विकेट मिलेगी। अभी बल्ले में सही ढंग से आई नहीं थी फिर भी छक्का। जब वक्त बुरा होता है तो आप हाथी पे चढ़ के जाएंगे तो कुत्ता
काट लेगा, और जब वो अच्छा हो तो फिर आप कुछ भी करेंगे सब कुछ अच्छा होगा। ये सबके जीवन में है जी, बिल्कुल अनिश्चितताओं का यकीन। और यहां पे देखिए, जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए था, दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया। इस समय स्कोर है 105 रन। यह 100 रनों का आंकड़ा भी पार होता हुआ यहाँ पे। 100 रन के लिए ताली बजनी चाहिए इलाहाबाद के लिए। क्या बात है, ये ताली बजनी। आज हमारे साथ आप चल रहे हैं। पचासी रनों की और दरकार है भैया, 105 बना लिया है इलाहाबाद ने। 85 रन चेस करिए, चमचमाती हुई प्लेटिना लेके जाइए। और इसी बीच में गेंद आती है यहाँ पे, और खेल भी ऐसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में जहाँ पे खिलाड़ी मौजूद दो नंबर के टी शर्ट में, और वहां पे। और सबसे दिलचस्प बात यह है उमेश भैया कि अभी तक कोई विकेट डाउन नहीं हुआ। अभी कोई विकेट आउट नहीं हुआ भाई। एक सफी हुई बल्लेबाजी मैं कहूंगा, हालांकि इसमें रोमांच ज्यादा था, लेकिन ऐसा मूड बना करके आया है कि जैसे अपनी टीम को अपने कंधे के बल पे यह कप्तान उड़ा ले जाएगा। अंपायर के इशारे की हम लोग प्रतीक्षा करेंगे ओवर की समाप्ति। और जैसे इलाहाबाद के बल्लेबाजों ने बाइक देख सकते, जो भी जीतेगा वो बाइक ले जाएगा भाई। बाइक है जो भी फाइनल जीतेगी। पहली पारी जब खत्म होती तमाम ऐसे खेल प्रेमी थे जो पीछे बातें कर रहे थे कि भाई आज तो इलाहाबाद की टीम मैच जीतेगी, आज तो इलाहाबाद की टीम मैच जीतेगी। लेकिन पिछले कुछ सीजन में जो एक जादू एक आकर्षण सा बना करके रखा हुआ था किशनपुरा की जो टीम थी, जो मिश्रित सिक्का की टीम है, आकाश जी वक्त की नजाकत और पलड़ा भारी होते ही पलटी मारते हुए इलाहाबाद के खेमे में जाके बैठ गए हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बिल्कुल समर्थन और समर्पण के लिए धन्यवाद। अतिथि देवो भव, ये भारत की बड़ी प्यारी परंपरा है, मेहमान भगवान के समान होता है। और आकाश जी ने स्कोर पूछ लीजिए, प्रत्येक छक्के पे जो 51 रुपए का पुरस्कार रखा था वो दौड़ के ला के दे भी दिया। हम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है आपको, स्कोर बोल दीजिए भैया। और इस समय गेंदबाजी आक्रमण पे दुर्गेश, स्कोर स्कोर में बता दो 106 रन। मैं बार बार बोल रहा हूँ 106 रन भैया। एक विकेट की सरकार 106 गई है आंखें, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो विकेट देते ही नहीं जी। बिल्कुल अच्छी अच्छा क्षेत्र रक्षण यहाँ पे पूरन के द्वारा, जाने जाते हैं अच्छी फील्डिंग के लिए। और वैसा ही कुछ अंदाज यहाँ पे दिखाया था फाइन की दिशा में, और अगर फिर से गेल का शायद शुरू हो जाए। पानी भेजा जाए, पानी भेजा जाए, भेजा इस ओवर के बाद पानी मंजीत सिंह को आप दें प्लीज। ये देखिए बहुत ही शानदार गेंद, यहाँ पे एक विकेट की दरकार है। अगर अखिलेश 11 को एक विकेट का खुराक मिल गया तो हमें लगता है कि मुकाबला फिर पलटी मारेगा। लेकिन ये ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मजबूत है, बहुत मजबूत है इलाहाबाद। शानदार गेंद, क्या गेंद है, ये गेंद की खूबसूरती है, क्रिकेट की सबसे खूबसूरत गेंद। 7 ओवर हो गया शायद, 7 ओवर की समाप्ति, भारी तादाद में 7 ओवर की समाप्ति पर तो स्कोर 106 रन 8 ओवर चल रहा भाई। जी बिल्कुल, अब दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा, पताल से मैच तो देखने आ ही रहे हैं हमारे दर्शक, लेकिन उसके पीछे की जो ताकत है वो इस समय मेरे साथ साथी कमेंटेटर के रूप में मौजूद है, वो आपको सुनने आ रहे हैं और इस क्रिकेट को देखने आ रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। अनावश्यक अंपायर के ऊपर कोई भी खिलाड़ी दबाव नहीं बनाएगा, ये तो तय है। राहुल मैक्स, अनावश्यक दबाव आप नहीं बना सकते। अगर उन्होंने लाइट दे दिया तो ये पत्थर की लकीर है, लाइट
जी बिल्कुल, किसी भी प्रकार का पक्षपात अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो अनावश्यक प्रकार का दबाव हमारे निर्णायक महोदय के ऊपर न बनाया जाए, निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। पिछले कुछ मैचों में रन भी काटे गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। नहीं, सब नहीं बोलने चाहिए जी, आपका विरोध जायज है लेकिन एक निश्चित सीमा तक, इस बात का ध्यान रखा है। शानदार अंपायरिंग अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में, और कुछ ऐसा अनाउंसमेंट यहां से ना करा जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, प्लीज। हम सब कुछ नहीं बोल सकते, नहीं, सबकी अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा में रहकर हमें यहां कमेंट्री करना है। जी बिल्कुल, आपको समर्थन है और क्रिकेट की खूबसूरती उसको मैं तो इस सीमा रेखा के बाहर भेजूंगा। और लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई अभी तक दोनों ही सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से सुरक्षित इस क्रिकेट पिच पे, और एक मूड से बना लिया कि जैसे लगता है कि विकेट के लिए तरसा देंगे हमारे इस बुसनपुरा के अगले से का बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है विकेट का। स्कोर बोल दीजिए भाई, गेम का बैलेंस लगातार बना के रखी है इलाहाबाद की टीम। बल्लेबाजी चल रही थी अखिलेश 11 की, कोई भी यह अंदाज नहीं लगाया होगा कितनी शानदार बल्लेबाजी फिर इलाहाबाद की होने वाली है। यही क्रिकेट है और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। साठ खेला है, अपने कॉपी किताब में एक इससे खूबसूरत साठ और क्या हो सकती है। ये दिलों को तोड़ने वाला चौका है, बहुत उम्मीदें तोड़ेंगी, बहुत अरमान टूटेगा। 170 रन और बहुत स्कोर है इसमें, स्कोर है इसमें नवीन ए भाई पानी 118 रन 72 मार 8 ओवर 118 रन 118 ना जी बिल्कुल। ओवर की समाप्ति पे ही आपको स्कोर बताया जाएगा, हालांकि बीच बीच में हम इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम लोग बार बार बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैच का रोमांच जो है ना वो अपनी चरम अवस्था पे अब जाने वाला है। निश्चित तौर पे आज का डूबता हुआ जो सूरज है इस बात का प्रमाण लेकर के जाएगा, इस बात का एक एक मैं दिलचस्प आंकड़ा बता दूं। कल जब सिसवा स्ट्राइकर के नौजवान खिलाड़ी इस मैदान पे उतरे थे तो इससे जबरदस्त टक्कर उन्होंने इनको दिया था। एक समय ऐसा लग रहा था कि सिसवा जीत जाएगी और फिर एक ऐसा कारनामा हुआ कि इलाहाबाद जीत गई, लेकिन इस मुकाबले में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जिसने थोड़ा सा भी अंकुश लगाया हो इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इलाहाबाद की टीम जब से बल्लेबाजी करने उतरी है मुझे तो लगता है कि यह मैच एकदम से एक तरफा सा हो गया है। हालांकि यहाँ तो मुझे लगता है कि अभी एक या दो विकेटों से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे लगता है कम से कम किसी ओवर में या तो हैट्रिक विकेट है या दो गेंदबाजों के द्वारा कुछ बल्लेबाजों की राह दिखाई जाएगी, तब जाकर के कुछ अच्छा होने वाला है हमारे अखिलेश एकादश बिशनपुरा की टीम के लिए। परतावल से आए साहेब अली, अपनी बाइक देखते रहेंगे, आपकी मोटरसाइकिल कोई चुरा न ले। ये अजीब सा अनाउंसमेंट है लेकिन करना पड़ता है क्योंकि पिछले कुछ मैचों में कुछ ऐसी भैया अभी तक उनकी तीन बाइक चोरी हो चुकी है परतावल बाजार से। मेरे गांव से चल के आए हैं और जो बैठे हुए हैं उनका प्यार मुझे लगता है कि आप भी उसी बाइक पे बैठ करके आए हुए हैं। तो काफी अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है और तमाम ऐसे दर्शक जो अभी मैच में आए हैं उनको मैं बता दूं फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है हमारे बिशनपुरा एकादश और इलाहाबाद एकादश के बीच में, और मैच का जो रुख है अभी 17:30 यानी 119 रन हो गए भाई जो इस समय बल्लेबाजी कर रही है, और दोनों ही सलामी बल्लेबाज 119 रन फाइनल के परवीन गेल और मनजीत सिंह बैटिंग कर रहे हैं, कोई विकेट गिरा नहीं इलाहाबाद का। जो धारा बह रही है जब यह नार पार लगेगी तो दो खूबसूरत चमचमाती सी जाती इसी बीच में देखिए पैड की दिशा में खेल दिया था इसको, ऐसे नहीं ले सकते। आप चांस को आप 100% में बदलेंगे तभी इस मुकाबले में वापस आएंगे। मोहित थे फील्डर, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर और आज के दिन है इलाहाबाद का।
पवीन गिल इस समय 45 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है और एक बार फिर से खेल दिया इसे वहां पर खिलाड़ी मौजूद दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पे देखिए थोड़ी सी कसम कस होती है यहां पे क्रिकेट की दोनों टीमों के बीच में लेकिन इस समय पल्ला भारी इलाहाबाद की टीम का विकेट का सूखा कब खत्म होगा कब अखिलेश 11 एक सफलता पाएगी ये देखने के लिए आंखें तरस गई हैं 11 नंबर की जर्सी एक और छक्का मनजीत सिंह के बल्ले से क्या बल्लेबाजी चल रही है ये गेंद के साथ खेल नहीं रहा ये गेंद के साथ खिलवाड़ कर रहा है बेहतरीन बल्लेबाजी थोकम थोक बल्लेबाजी कह सकते हैं क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है अब हमें लगता है कि जैसा कि हमारे बड़े भाई उमेश जी बता रहे हैं कि 70 और 30 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 80 और 20 में तब्दील होता हुआ जैसे जैसे ये रन आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे ये टीम फाइनल की तरफ प्रवेश कर रही है ये दोनों पर 4 रन इस शॉट पे इन्हें 10 में 10 अंक दिया जाएगा जब भी कोई खिलाड़ी ग्राउंड शॉट लगाता है इस अंदाज में लगाता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं होना भी चाहिए जबरदस्त बल्लेबाजी आशीष जी एक जमाना था जब हम लोग खेलते थे तो क्लास का क्रिकेट था अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा तूफानी बल्लेबाजी की बैटिंग हो चुकी है केवल बाउंड्री में क्रिकेट को देखा जाता है लेकिन उस लिहाज से अगर तत्कालिक समय के क्रिकेट से मैं बात करूं तो ये खूबसूरत बाउंड्री मिलती हुई लेकिन इस छक्के के पहले मैं उस चौके की बात करूंगा यदि कुछ देर पहले एक गेंद पहले लगाई थी ये ग्राउंड शॉट जो होता है ना वो कवर की दिशा में जब लगता है और गेंद जो होती है जो बल्ले को जब टच करती है तो जो आवाज आती है सिर्फ 14 रन दूर है ये अपने शतक से सॉरी 12 रन दूर है अपने शतक से मनजीत सिंह सर जी बिल्कुल उमेश भैया मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि रनों का जो धारा है वो बहता जा रहा है और ये लोग स्कोर में बता रहा हूं स्कोर है इसमें 140 रन 50 रन दूर है इलाहाबाद इस चमचमाती ट्रॉफी को उठाने के लिए 1.5 लाख दर्शकों से खचाखच भरा ये मैदान आज इस ग्राउंड पे इस ऐतिहासिक मुकाबले का साक्षी बनेगा जी मैं आपको गलत साबित करना चाहूंगा तो 2 लाख दिखाई दे रहा है क्योंकि उस हिसाब से यही लग रहा है कि पूरे फील्ड को लगभग 2 लाख की संख्या कितना ओवर हुआ है क्रिकेट प्रेमियों का 10 ओवर हुआ है 9 ओवर चलिए बात जोड़ से पैक शतक पे अनु भैया की तरफ से 2 चैंपराज जो कि सामने रखा हुआ है और बॉडी मजबूत बनाओ खूब आगे बढ़ो खूब खेलो मुलायम को गेंदबाजी आक्रमण पे सबसे अहम खिलाड़ी को वापस बुलाया है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद पहले ही खिलाड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी के पॉइंट गए हुए हैं मुझे तो लगता है किसी और बल्लेबाजी को तकलीफ तक नहीं देना चाहता है कहते बिल्कुल इस मैच को हम जिता करके आएंगे लेकिन वहीं पर मैं कहूंगा कि अपने अंदाज और अपने खेल से बिल्कुल उलट प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पे अखिलेश एकादश की टीम बिल्कुल हमें लगता है कि बड़ा जल्दी में इलाहाबाद की टीम का पहिया है यही फील्ड है यही समय है और यही फाइनल मैच है पिछली बार जीत पहुंच की टीमों में लेकिन आज कुछ नजारा होता सा और ये फिर से खेल दिया है उसे लॉन्ग की दिशा में कभी गाड़ी नाव पे तो कभी नाव गाड़ी पे ये वक्त है जनाब सबका हिसाब लेता है शानदार बल्लेबाजी नो डाउट लेकिन अभी भी एक विकेट की दरकार है एक विकेट की खुराक चाहिए अभी अखिलेश 11 को लेकिन वो विकेट के लिए तरस चुके हैं और ये बल्लेबाजों को गेंद गेंद नहीं दिख रही है फुटबॉल दिख रही है जी बिल्कुल सही कहा आपने और मैं ये ऊंचा छक्का और मैं आपको आशीष जी बता देना चाहूंगा पहली बार पिछले 7 सीजन के बाद इस 8वें सीजन में ऐसा हो रहा है कि मुलायम जी किसी टीम में है और वो टीम हार की ओर अग्रसर है हार इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि अभी ऐसा ही होता प्रतीत हो रहा है लेकिन बात तो अभी हार और जीत भविष्य के कर्म है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ही जो मैच है मात्र औपचारिकता शेष है बिल्कुल एक तरफा
क्या गेंदबाजी है, ऐसे कुछ गेंदबाजी चाहिए, ये गेंदबाजी थी, ये बड़ा खोल की गेंदबाजी थी जिसे आपने अभी कुछ देर पहले कैंसर गेंदबाजी की संज्ञा दी थी। कुछ ऐसी गेंदबाजी करनी होगी तब जाकर के कुछ वापसी हो सकती है इस टीम की। बिल्कुल उमेश भैया, क्या शानदार गेंद थी, इस मुकाबले की सबसे शानदार गेंद थी। बिल्कुल ब्लैक होल में, कुछ समझ में नहीं आया मंजीत को, लेकिन मंजीत वापस जाएंगे। पहली सफलता हाथ लगी है अखिलेश 11 बिष्णुपुरा कुशीनगर को। आचार्य जी सभी दर्शक मंजीत सिंह का स्वागत करें। ये देखिए खेल की खूबसूरती देखिए, विपक्षी खिलाड़ी भी सराहना कर रहे हैं उस खिलाड़ी का। विध्वंसक बल्लेबाजी, 10 नंबर की जर्सी मंजीत सिंह के लिए, एक बार फिर जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की। नए बल्लेबाज का नाम रिंकू, रिंकू के रूप में नए बल्लेबाज, लेकिन अपनी टीम के लिए क्या लाजवाब योगदान किया तमाम थे। निश्चित तौर से शतक बनाने से चुके थे, लेकिन मैं कहूंगा कि ये दर्शकों को जीतने वाला शतक था, दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली बल्लेबाजी होती। मुकाबला तो कोई भी जीत सकता है, दिल जीत के कोई दिखाए, और दिखाया मंजीत सिंह ने। रिंकू ने आते ही अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को खेल दिया कवर बाउंड्री के जानिब एक रन के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति का इशारा मिश्रा जी का और स्कोर है इस समय 154 रन रन हो चुके हैं भाई। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 154। 30 गेंद और शेष है इस पारी में। रन कितने चाहिए? 36 रन और चाहिए 30 गेंद, 36 रन चाहिए भाई। ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दे भाई, और जफर एंजेट को आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ले भाई। थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर है बोलने में, लेकिन 6 छक्के जिस अंदाज में लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ 6 छक्के कह सकते हैं जी। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि 36 रनों में 25 या 30 रन तो बाउंड्री से आने वाले हैं, ऐसी बल्लेबाजी हो रही है। बिल्कुल मुलायम ने दिलाया ये सफलता, लेकिन देर हो चुकी है। पीछे जाएगा, गाड़ी चाहिए ना अंदर। प्रशासन के जितने भी लोग हैं मुकाबले के बाद थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स पे आ जाएंगे प्लीज। प्रशासन के जितने भी लोग हैं कमेंट्री बॉक्स पे आ जाएंगे सहयोग के लिए प्लीज। जी बिल्कुल, और वही दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स की इस मंच से नीचे ही रहेंगे, ताकि जो ये पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलेगा। ये देखिए यहाँ पे कौन सफलता मिल सकती है, और ये कौन सा कैच, आपने तो लोकेश राहुल की याद दिला दी। इससे आसान कैच और क्या हो सकता है आपके लिए, लेकिन आज जो दिन है ना वो इलाहाबाद का है। ये विकेट चाहिए ही चाहिए था, ऐसा नहीं है कि आप मैच से बाहर है, कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा, मुझे तो लगता है दिन खराब है। निश्चित तौर पर वो जो खिलाड़ी मौजूद है उसको मैं हमेशा से देखता रहा हूँ, अच्छी फील्डिंग करते हैं, उनसे कैच छूट जाना इस बात की बानगी है कि आज कुछ विशेष नहीं घट रहा है हमारे बिशनपुरा की टीम के लिए। आज कुछ अलग होने वाला ही है जी। बिल्कुल, आज सुबह भी कुछ अलग हुआ था। व्यापारी एकादश की टीम जो लगातार 7 बार हार रही थी, हालांकि उस टीम का मैं भी एक सदस्य खिलाड़ी के रूप में मौजूद रहा। पिछले 7 बार से हमने हार रहे थे और आज एक नया रिकॉर्ड बना था और हमने पुलिस एकादश को हराया। भाई जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते भाई, वीडियो को शेयर करते रहे, जो भी लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दे, और जब यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर ले और आप फॉलो भी कर ले पेज को, जो लोग नहीं किए भाई। हम सभी के बीच में उपस्थित होगा। खूबसूरत माहौल, एक और शानदार डिफेंस, 7 नंबर की जर्सी, बेहतरीन खेल का आयोजन, क्रिकेट का ये महाकुंभ, एसपीएल सेशन 8 का ये अंतिम पड़ाव पे ये टूर्नामेंट। शाम जो है इस टूर्नामेंट को धीरे धीरे ही सही अपने आगोश में ले रही है, और यहाँ पे मौजूद भारी तादाद में क्रिकेट के जितने भी दीवाने मौजूद हैं, मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि चमचमाती हुई ट्रॉफी आज एक नए कप्तान के हाथ में जाएगा। शानदार फ्लिक किया है अखिलेश, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और जब तक गेंद को गिदर करते थ्रो करते आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला।
और मैं अब आवाज दूंगा अपने साथी कमेंटेटर बड़े भाई इमरान खान को कि आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथ सुनाए। बहुत बहुत आभार उमेश उमंग जी का जिनकी पूरी खूबसूरत आवाज पूरे फिजाओं में आज गूंज रही है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश उमंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष और उमेश भैया का। भाई वीडियो को शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट भी कर दो भाई, कहां कहां से लोग देख रहे हैं। आंखों देखा हाल सुना, कहां जा रहे हो यहां से? मैं गेंद बोलने के बाद चार रन, मिस फील्डिंग और गेंद बोलने के बाद चार रन। आशीष कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है फील्डरों के ऊपर गेंदबाजों के ऊपर, जब टीम मुश्किल घड़ी में हो तो 161 रन हो चुका है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 161 रन, 11 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 161 रन। बाइक देख सकते हैं, जो भी जीतेगा वो बाइक मिलेगा। हर एक मैच का वहां से लाइव प्रसारण किया गया है, तो सारे वीडियो तो वहां पे मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप सर्च करिए, करिए जफर एनजेड। क्या शानदार खेल का प्रदर्शन किया है इलाहाबाद की टीम ने, खासकर बल्लेबाजी में। बल्लेबाज मंजीत क्या शानदार पारी, 32 गेंदों पे 94 रन की पारी खेली, 32 गेंद पे 94 रन की पारी खेली है। दुर्भाग्य पूर्ण रहा उनका विकेट। सचिन भाई ने 87 रन की पारी खेली थी, सचिन भाई 87 रन की पारी खेली थी। प्रशासन के लोग अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो सहयोग करेंगे, कमेंट्री बॉक्स पे के पास आ जाएंगे। जो दर्शकों का हुजूम है काफी बड़ा है, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। मुंबई से एक देर भाई, शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। जो लोग देख रहे वीडियो को प्लीज शेयर कर ले भाई, ग्रुप में हर जगह शेयर कर दे, और जो लोग फॉलो नहीं किए फॉलो भी कर ले। और मेरे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जफर एनजेड, आप लोग जाके सब्सक्राइब भी कर ले भाई। जल्दी मैच को खत्म करना चाहते हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे अखिलेश 11 की टीम के लिए। मेरी आवाज सुन रहे हो पुलिस प्रशासन के लोग, तो इस टूर्नामेंट को खत्म करने में सहयोग देंगे। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो विनम्र निवेदन है आपसे कि कमेंट्री बॉक्स के पास अविलंब आ जाए। एक 174 रन का स्कोर, यहाँ से जीत के लिए 16 रनों की और आवश्यकता। 16 रन और 6, ऐसा लग रहा है कि दर्शक पलटी मार गए हैं, क्योंकि कोई शोर 10 रन और चाहिए भाई, सुनाई नहीं दे रहा है, जबकि उनकी सपोर्टिंग टीम अच्छे फॉर्म में है, जीत के करीब है। बिल्कुल आकाश भैया आप जहां रहेंगे बिल्कुल जिंदा दिली का सबूत पेश करेंगे। सचिन को बुलाया गया है बॉलिंग आक्रमण पे, शानदार पारी खेली थी सचिन ने, 13 रन अपने शतक से दूर रहे थे। और यहाँ पे ये जरूर खेला था लेकिन कोई रन नहीं। दस रनों की अगर आवश्यकता, 10 रन
जल्दी के चक्कर में है कि एक दो गेंदों पे मैच को खत्म कर दिया जाए। और दर्शकों से अनुरोध है कि बाइक अपनी ही लेके जाएंगे। तो सर जी जल्दी मैच को खत्म करना नहीं चाहते हैं भाई, 10 रन और चाहिए बल्लेबाज को, 10 रन अपनी और दरकार। और ये छक्का, एक गेंद कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंद का इंतजार इस पूरे टूर्नामेंट को अपने अंजाम तक। 4 रन और चाहिए भाई, 4 रन मात्र जीत के लिए और चाहिए। और इसी के साथ नई विजेता एसपीएल से सेलेक्ट की रावत अपने अंदाज में इन्होंने मुकाबला जीता और नौ विकेट से हरा करके क्लेश 11 को एसपीएल से सेलेक्ट का यह खिताब अपने नाम किया। शानदार पारी, जबरदस्त शानदार खेल का प्रदर्शन और ये नई टीम बन गई है इलाहाबाद एसपीएल से सेलेक्ट की विजेता। इलाहाबाद की टीम ने अखिलेश 11 को हरा करके भाई 32 गेंद पे 84 रन की पारी खेली थी मंजीत भाई ने। क्या कहना चाहते हैं 32 गेंद पे आपने बनाया? चाहते हैं अपनी टीम पे भरोसा था, हम हमारे गेंदबाजों ने इस विकेट पे अच्छी। ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ आप।